आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। हिंदू धर्म में पितर पक्ष का विशेष महत्व होता है। पितर पक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। पितर पक्ष का पहला दिन, जिसे प्रतिपदा तिथि भी कहते हैं, बुधवार 18 सितंबर 2024 को है। इसे परवा या पड़वा श्राद्ध भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्धों या तर्पण अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिण आदि मुहूर्त शुभ माने गए हैं। कहा जाता है कि अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। जाने प्रतिपदा श्राद्ध का महत्व, वदान, तर्पण व श्राद्ध के शुभ मुहूर्त। प्रतिपदा तिथि कब से कब तक? प्रतिपदा तिथि 18 सितंबर 2024 को सुबह 8:04 पर प्रारंभ होगी और 19 सितंबर 2024 को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा लिखना न भूलिए। प्रतिपदा श्राद्ध के शुभ मुहूर्त 18 सितंबर 2024 को श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए कुतुब मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। रोहिण मुहूर्त दोपहर 12:39 से दोपहर 1:27 तक रहेगी। अपराह्न काल दोपहर 1:27 तक दोपहर 3:54 तक रहेगा। अब प्रतिपदा श्राद्ध का महत्व जानते हैं। प्रतिपदा श्राद्ध परिवार के उन पूर्वजों या पितरों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई होती है, अर्थात जिस दिन आपके किसी पूर्वज ने देह त्यागी हो उस दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सी तिथि थी। मान्यता है कि इस श्राद्ध को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, पितरों को तृप्ति मिलने की भी मान्यता है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस दिन तर्पण, पिंडदान अनुष्ठान किया जाता है। पितर पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नाना नानी का श्राद्ध भी किया जा सकता है। अगर मातृ पक्ष में श्राद्ध के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तो इस तिथि पर नाना नानी का श्राद्ध करना अत्यंत शुभ माना गया है। जानकार ज्योतिषाचार्य विद्वानों का मत है कि पितर पक्ष का प्रारंभ भाद्रपद पूर्णिमा से नहीं होता है। इस साल अश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि 18 सितंबर को सुबह 8:41 के बाद से शुरू हो रही है तो पितर पक्ष भी कल से ही शुरू है। पितर पक्ष में किए जाने वाले तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म भी बुधवार से ही होंगे। हिंदू धर्म में पितर पक्ष का विशेष महत्व होता है। पितर पक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। पितर पक्ष का पहला दिन या प्रतिपदा तिथि 18 सितंबर 2024 बुधवार को है। इसे पड़वा श्राद्ध भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्धों या तर्पण अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिण आदि मुहूर्त शुभ माने गए हैं। कहा जाता है कि अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। विद्वान आचार्यों के अनुसार शास्त्रों में हर जगह यही देखने को मिलता है कि मातृ देवो भव, पितर देवो भव। आता माता पिता के समान कोई देवता नहीं है। उनकी संतृप्ति और आशीर्वाद हमें जीवन में हर प्रकार का सुख देता है। अतः इस भ्रांति को मन मस्तिष्क में न पालकर इस पितर पर्व को हर्षोल्लास पूर्वक मनाना चाहिए। इस जिनके पिता के मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो उनको श्राद्ध पितर विसर्जन को करना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस विधि से पितरों का तर्पण किया जाए। पितर पक्ष में प्रत्येक दिन 15 दिनों तक कुशा की जूड़ी जल के लोटे के साथ ले जाकर पीपल के नीचे कुशा की जूड़ी को पितर मानकर जल से तर्पण करें। तर्पण के बाद घर आकर प्रतिदिन ही भोजन के समय एक रोटी गाय को, एक रोटी कुत्ते को और एक रोटी कौ को जरूर खिलाएं। साथ ही अगर संभव हो सके तो अपनी छत पर किसी चौड़े पात्र में जल भरकर पक्षियों के लिए जरूरी रखें और अनाज के दाने भी छत पर डालें। ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध,
तर्पण तथा अमावस्या पूजन इत्यादि जैसे अपने घर करते आ रहे हैं वह वैसे ही करें। विद्वानों का कहना है कि श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी नदी या सरोवर के तट को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विद्वान ज्योतिषाचार्य का कहना है कि हिंदू धर्म में निर्णय सिंधु एक प्रमाणिक पुस्तक है जिसमें सैकड़ों प्रश्नों के जवाब दिया गया है। उसके अनुसार पितरों के लिए निर्धारित पितर पक्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितर पक्ष शुरू ही नहीं होता है तो इसके 17 सितंबर से प्रारंभ होने की बात ही गलत है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि 18 सितंबर को शुरू हो रही है, इसलिए पितर पक्ष भी उस दिन से ही शुरू होगा। आइए अब जानते हैं कि पितर पक्ष में क्या सावधानियां बरतना जरूरी है। इस अवधि में दोनों वेला में स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतुब वेला में पितरों को तर्पण दें और इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व भी होता है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। कुश और काले तिल के साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। जो कोई भी पितर पक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद फूल ही अर्पित करें। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। इसके अलावा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण और पिंड दान करें। पितर पक्ष में हर रोज गीता का पाठ जरूर करें। वहीं कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।